हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं दीप्ति एबेकस कंप्यूटर क्लासेस की तरफ से आज आपको जो वीडियो क्लास देने जा रही हूँ वो है डेसिमल्स। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा डेसिमल्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मान लेती हूँ मैंने डिजिट लिखा है नंबर्स, ये है 2.3। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा डेसिमल है, ठीक है। ये पॉइंट ही हमारा डेसिमल है। अब जानना ये है कि ये आता कहाँ से है और इसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो वंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, वन, टेंस को टेन, हंड्रेड को हंड्रेड एंड थाउजेंड को 1000, ठीक है। मतलब वंस वन हो गया, टेंस टेन, हंड्रेड्स टू 100, थाउजेंड टू 1000। अब मान लेती हूँ हमें लिखना है 1/10। तो ये जो 1/10 है ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं टेनेथ, ठीक है। यही हमारा है टेनेथ। मान लेती हूँ ये नंबर मैंने लिखते हैं यहाँ पे 9, 3, 2, 4, 8। तो ये जो डिजिट मैंने लिखा है इसे अगर मैं एक नंबर बनाती हूँ तो ये क्या बनेगा, 9324.8। मतलब 9324 ये आ गया और ये जो टेनेथ है ये पॉइंट के बाद चला जाएगा। मतलब हमारी संख्या क्या हो गई, 9324.8। ये हुआ डेसिमल। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फ्रैक्शन टू डेसिमल। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहला है फ्रैक्शन टू डेसिमल और दूसरा रहेगा डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। पहले फ्रैक्शन टू डेसिमल पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर उसका रिवर्स रहेगा। फ्रैक्शन टू डेसिमल होता क्या है, मान लेती हूँ हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 2/10। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, डेसिमल में जब जाएंगे तो नीचे कितने जीरो है, 1 0। तो जब हम ऊपर में संख्या लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक संख्या के पहले पॉइंट हो रहा, मतलब ये हो जाएगा 0.2। नीचे वन डिजिट था जीरो का, तो यहाँ भी वन डिजिट के पहले पॉइंट हो रहा। अब एक बड़ी संख्या लेती हूँ, जैसे मान लेती हूँ 30+6/10। ये फ्रेंड्स देखिए क्या है, इसमें एडिशन के साथ डेसिमल है, एडिशन के साथ आपको डेसिमल में चेंज करना है। जैसे ये 30 का 30 हो गया, प्लस 6/10 है, तो जैसे ये बना था वैसे ही ये भी बनेगा, मतलब 0.6। ये क्या हो गया, 30.6, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ये है 42/10। तो इसे हम लोग भी सेम तरीके से बनाएंगे, नीचे कितना जीरो है, 1 0 है, तो ऊपर कितने डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 1 डिजिट पहले, मतलब 4.2। जितने भी डिजिट रहेंगे फ्रेंड्स उसमें से जीरो जितने हैं तो उतने पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं। यहाँ 1 0 था तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट हमने रखा। अगर यहाँ पे रहता 378/100, तो नीचे कितने जीरो हो गए, 2 0, तो ऊपर कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट, मतलब 3.78, ठीक है। एक और है 4/5, ये तो हम लोग सब जानते हैं 4/5 है, तो इसे फ्रैक्शन टू डेसिमल में लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 5 से 4 को डिवाइड करना होगा। लेकिन एक और तरीका आज मैं आप लोग को बता रही हूँ, 5 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10। अब फ्रेंड्स, ये हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम नीचे में कुछ भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा सेम डिजिट। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, मतलब 4 2 जा कितना हो गया, 8/10। मतलब 8/10 का क्या बना, डेसिमल में जब हमने चेंज किया तो 0.8, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। मतलब अगर कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। सेम है फ्रेंड्स,
यहां हमने क्या किया था, जितने जीरो पॉइंट के बाद उतने डिजिट, तो यहां हम क्या कहेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट अपॉन में उतने जीरो, मतलब यहाँ क्या हो गया 172/10। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन फ्रेंड्स, ये हम लोग सब जानते हैं कि नंबर लाइन जो है ऐसा होता है, एक लाइन है मान ली, इसके बीचों बीच जीरो होता है, राइट साइड जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, आगे भी ऐसे बढ़ते रहते हैं, और जब लेफ्ट साइड आते हैं तो ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सेम टू सेम इधर भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाले हैं, मतलब बिटवीन में है, नंबर्स के बिटवीन में, ये इंटीजर्स होते हैं। अब हमें देखना है, ये मान लेती हूँ कि मुझे प्लॉट करना है नंबर लाइन में टू, तो ये टू प्लॉट हो गया, माइनस थ्री प्लॉट करना है तो माइनस थ्री प्लॉट हो गया, फाइव प्लॉट करना है तो फाइव प्लॉट हो गया, ये हमारा नंबर प्लॉट हुआ। लेकिन जब हमें डेसिमल्स को प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सॉरी, उससे हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में है 0.4, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें देखना है कि ये जो 0.4 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, चूंकि यहाँ जीरो है तो ये जीरो के बीच से स्टार्ट हो रहा, और पॉइंट के बाद फोर है, दैट मीन्स ये वन के बीच में, मतलब जीरो से वन के बीच में आएगा। तो इसे जीरो से वन के बीच में आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नंबर लाइन बनाना होगा, ये नंबर लाइन ऐसा है, यहाँ जीरो है और यहाँ वन है, ठीक है। तो जीरो और वन के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, टेन पार्ट्स होंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब ये जो टेन पार्ट्स है इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जो हमारा पहला है वो है 0.1, दूसरा 0.2, तीसरा 0.3, थर्ड 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये है 10। ये 10 कैसे है, क्योंकि 10/10 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया 1। अब हमें इसमें प्लॉट क्या करना था, 0.4, तो ये देखिए हमारा ये लाइन है 0.4, ठीक है। इसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेती हूँ हमारे पास है 2.6, इसे हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ऐसे ही दिमाग में लाना है कि सबसे पहले ये जो लाइन है ये किसके और किसके बीच में होगा, ये 2 है मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ठीक है। इसके बीच में सेम वैसे ही चलेंगे, 10 पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें लाना क्या है 2.6, ये क्या है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.6, ये हमारा 2.6 है, ये हमारा हो गया 2.6। तो इस तरह हम लोग डेसिमल्स को नंबर लाइन में पुट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये इंट्रोडक्शन क्लास था तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, डेसिमल्स क्या होता है, ये आता कहाँ से है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल्स टू फ्रैक्शन कैसे आते हैं, एंड नंबर लाइन में डेसिमल्स को कैसे शो करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके और भी टॉपिक्स को जानेंगे, तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास का इंतजार करें, एंड प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।